कि छेड़छाड़ नहीं, और इनका कोई भरोसा नहीं चले। ये पूरी तरह कोशिश में लगे रहेंगे कि एक दिन भारत, दैट इज कॉल्ड इंडिया, इसको भारत को हिंदुस्तान भी कर दें। ये चाहते होंगे आज भी, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो मूल भावना होगी, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, वो छेड़ नहीं पाएंगे ये कभी। और बाद में वो कहते ना कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, देखते क्या होता है। भविष्य तो भविष्य ही है। चलो नेक्स्ट लिखो पॉइंट। ब्रिटिश रूल हैज इंट्रोड्यूस्ड वीक लेजिस्लेचर इन इंडिया, by the given voting rights to a few elite person only। अब देखो, जैसे जो ब्रिटिश रूल था वो काफ़ी वीक भी था इंडिया में, हर कोई मानना नहीं चाह रहा था, और उसमें ब्रिटिशर्स के लिए ही ज़्यादातर चीज़ें मिलती थी। इंडियंस को वैल्यूज़ कम मिलती थी, वोटिंग राइट्स कम मिलते थे, और उन्होंने बोलता कि जो पढ़े लिखे इंडियंस होंगे केवल उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिले, सबको मिले भी ना, तो इस बात को तो नागवार गुजरेगी नहीं बात। तो इसलिए संविधान बनाया गया कि हम संविधान में बराबर का हक देंगे सबको। क्योंकि अगर आप आज़ाद हो जाते हो, और आज़ादी में आप ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते ना किसने आज़ादी दिलवाई किसने नहीं दिलवाई। आज के हमारे नेता मूर्ख हैं। एक वो नेता बोलते ना कि लगता है, वो कहते हैं कि बापू का आज़ादी में कोई हाथ नहीं था, तो हमें तो लगा शायद अपने बापू के बारे में बात कर रहा होगा, देश के बापू की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो लोग कुछ भी बोलते हैं तो बोलने दो। तो उसी बात को नागवार करने के लिए, गलत करने के लिए संविधान बनाया गया रिटर्न में कि ठीक है। अब संविधान, अब देखो मान लो आज का दिन है, ठीक है ना, आज भी लोग अपने देश के लिए मरते मिटते हैं, कोशिश यही करते हैं ना कि हम दोबारा किसी गुलाम ना बन जाए। तो आज भी जो लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू तो है कि हम भारत के लोग। भाई पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, चाइना हम पर अटैक करता है, और भी कोई देश अटैक कर सकता है। ठीक है, तो कल को अगर हम हार गए तो हम गुलाम तो उनके बन गए, तो आज भी तो आज़ादी अगर हमारे पास है तो हमारे सोल्जर के हिसाब से तो आज़ादी है। ठीक है, तो यानी कि आज भी अगर उस टाइम पर ये टर्म यूज ना किया गया था वी द पीपल ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, तो फिर वो तो काम खराब हो जाता। सबको आज वैल्यू मिल रही है ना उस बात को लेकर के। चलो आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्शन क्या हुआ, लिखने वाला नहीं कर रहा। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937। दीपक खड़े होकर बाहर को बोलो चुप। क्या आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास तक किसी की। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। Which were not fully democratic governments। Next point. However, The working of this legislative. हाँ, जो 1937 में इलेक्शन हुए, और उस टाइम पे क्या था, पूरी तरह स्टेट तो थे नहीं कम्प्लीटली, तो प्रोविंशियल स्टेट बोलते थे उनको। तो प्रोविंशियल यानी कि एक प्रकार जो प्रोविंशियल जगह हैं, राज रजवाड़े हैं, उनका लेजिस्लेचर बनाया गया था,
उनको बोला कि आप पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाएंगे अब। और इंडिया में इलेक्शन हुए और ब्रिटिशर्स के साथ में जो इंडियंस थे वो भी खड़े हुए और हर लोगों सब लोगों ने वोट दी और इंडियंस भी उसमें जीते और इलेक्शन में जाकर के उन्होंने पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी जो असेंबली बनी उसमें जाकर के और कानून बनाना शुरू किया। लेकिन उस कानून में कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोल दिया जो इंडियंस कानून बनाएंगे उस कानून को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो चाहे तो पलट सकती है या फिर उसे नहीं माने, जरूरी नहीं कि वो माना जाए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने उसका बड़ा क्रिटिज्म भी किया कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, जब ये बोल ही रहे कि पलट देंगे हम तो कानून तो बनने देंगे। तो बाकी लोगों ने बोला कि देखो वो बात ठीक है लेकिन कम से कम हमें एक आइडिया तो लगेगा कि कानून बनते कैसे हैं, काम होता कैसे पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके। तो उस आइडिया को लेने के लिए वो लोग चले गए कि हम लोग ट्राई करेंगे बैठ करके। चलो नेक्स्ट लाइन लिखो, हैं मैं लिखो इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, हाउएवर द वर्किंग विद दिस लेजिस्लेटिव, हाउएवर द वर्किंग विद दिस लेजिस्लेटिव। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड यूजफुल एक्सपीरियंस टू इंडियंस, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड यूजफुल एक्सपीरियंस टू इंडियंस। Useful experience to Indians, which helped in setting up native institution, in independent India. और देखो ये हर लाइन जो लिखवा रहा हूँ इसी native institutions in independent India. और लिखते हुए लग भी रहा हो इतना बड़ा हम क्यों लिख रहे हैं, तो ध्यान रखो ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं लाइनें होती हैं ये मेंस आंसर राइटिंग का ही पार्ट है। और मैंने पहले कहा था कि पहले मेंस पे काम होगा उसके बाद प्रीलिम्स पे जाएंगे। ठीक है, अभी मेंस पे काम कर रहे हो आप लोग, इसलिए आर्टिकल्स न्यूज़पेपर लिखना शुरू करो। ठीक है, 200 वर्ड्स क्यों गिन रहा है बे, 200 वर्ड थोड़ी है भाई। देखो जो लिखवाया, ठीक है ना, कल को मान लो क्वेश्चन आ जाए कि जब आज़ाद भारत से पहले, ठीक है ना, जो हमारी असेंबली बनी थी या हमारे जो लोग इलेक्शन में गए थे या पार्टिसिपेशन किया था 1937 के इलेक्शन में, उसके अंदर किस रूप में या फिर क्या हेल्प हमें मिली तो हमें पता होना चाहिए, क्यों किया था हमने, क्या हेल्प हमें मिली, कैसे हमने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन किसके बीच में हुए थे, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल था, हमारा क्या रोल था, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर पॉलिटी में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, लाइक साउथ अफ्रीका, कोमा इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सरकमटांसेस। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट लाइन, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव अडॉप्टेड its fundamental structure, adopted its fundamental structure from the Government of India Act 1935, इसके बाद हेडिंग डालो
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और मैंने एक बात की है, वो जो क्या कहते हैं, एक महेश्वर हैं, ठीक है, उनसे आपकी पॉलिटी क्लास भी कराऊंगा, लेकिन वो क्लास बस ऑनलाइन हो सकती है, तो जूम पे या गूगल मीट पे वो क्लास में कंडक्ट करवाऊंगा। आप घर बैठे बैठे उसको लेना ज़रूर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी, ठीक है, बहुत कुछ बताएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके समझाते हैं पॉलिटी, ठीक है। चलो आगे लिखो, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द बॉडी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चल रहा है अभी तो, चल रहा है, कमाल हो गया, पता नहीं स्पेस है इसका मतलब, ठीक है, कितना अच्छा फोन है मेरा फोन, हाथ धो गई, गिरा कर दिखाया कोई, वही नया देगा। देखो मैंने कहा था ना, मेरे को आज तक जितने फ़ोन मिले गिफ्ट में मिले हैं, मैं खरीदना नहीं चाहता, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई गिफ्ट में दे दे मुझे फ़ोन, हैं, मुँह देखो दहेज में फ़ोन, हट, जेल कर भाई खुलेआम बता, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, नाम खराब करो फोन लेकर, जब भी खड़ी होगी ना, तो जब भी खड़े होंगे दे, दहेज लेना कोई बुरी बात नहीं, वाह, मैं तो लेके जाऊंगी, इसे तो मतलब देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में क्या होता है, लड़की वाले देते हैं, हाँ मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी कुछ जगह पे है कि वहाँ लड़की वाले दहेज देते हैं, ध्यान तो देख के, सही है, लेकिन अनलिमिटेड लेना सही नहीं है ना, ठीक है, मुझे एक ऑफर आया, कहते हैं कि हम 10 लाख की कार देंगे, मैंने कहा वो छोड़, कार तो मैं कल खरीदूँ, पेट्रोल बता देवे तो मैं पेट्रोल देता तो बात कर, तू 5 साल का पेट्रोल फाइनेंस कर दे, मैं ओके, मैं कहा उसके बाद तू चवन्नी खर्च मत कर मेरे ऊपर, हाँ तू कुछ कहने वाला था, किस तरह से सही है दहेज, दहेज पता एक प्रथा है बस और कुछ नहीं है, जिसमें लड़की वाले और लड़के वाले दोनों मिल करके कुछ ऐसे सामानों को इकट्ठा कर लेंगे जो उनके जीवन गुजराने के जरूरी है, बस ये दहेज है, जैसे लड़के जो लड़के वाला होता है, लड़के वाले क्या करता है, वो अपना घर यूज़ करता है, घर देता है वो, और लड़की वाले को सामान दे देते हैं कि चलो हम सामान दे देते हैं, इधर से घर मिल गया, इधर सामान मिल गया, काम चल गया, गृहस्थी चल गई, लेकिन आजकल क्या है, जैसे बनिए होते बनिए बनिए तो कहते हैं हाँ भाई कितने की शादी करेगा, मान लो कह रही 31 लाख, लड़की महंगी सी लग रही है अभी भी, हाँ बोली लगती है, बनियों में लगती है, अग्रवालों में लगती है, ये सब बनी ही है, और क्या कहते हैं, और जो ब्राह्मण तो पंडित वंडित, ठीक है, ये तो पगलाए जाते हैं, हमारे में तो 1 रुपये का रिश्ता होगा, अजी 1 रुपये कहीं ना होता, 1 रुपये का हो गया, इसकी भी होगी 1 रुपये का रिश्ता, वो कहते ना कहावती कि लड़की वालों को तो शुरू से लूटना शुरू कर देते हैं, मीटिंग हुई, हाँ जी कहाँ, मुझे ताज होटल या ओबरे होटल में मीटिंग कर लो, किसी ने बारहवीं को ना देखो, लेकिन वहाँ जाएंगे और भर के ठूस के ओल्टो में चले जाएंगे एक साथ 6-6 लोग, ठीक है, और वो पूरी फैमिली जाएगी, हाँ, और साफ साफ पता लड़की वालों का ही खाना है हमें, मतलब मीटिंग से लेकर के शादी होने तक लड़की वालों से ही खरवाना हर चीज़, और ऑर्डर भी ऐसे से मारेंगे, ये ऑर्डर कर लो जी, वो ऑर्डर कर लो जी, खाना कुछ नहीं है, अब खुद खर्चा नहीं करते, कर लो गरीबों खर्चा, भिगवंगे नहीं करते, इतने जलील कलील किस्म के लोग होते हैं ना मार्केट में, देख क्या लगता है कि इनकी किडनी ना निकाल ले, और फिर जब वो आकर धोज जमाएगी तो उसका भी अधिकार जमाने का, हमें कोई कह दे
जैसे मान लो कार के मेरे बाप ने दिए, मैं ले जा आग लगा दूंगा, जीवन में से ठूंगा नहीं मैं कभी, मैं अपने बस की नहीं है, मैं सुनना अपन नहीं सुन सकते ऐसे किसी की। चलो लिखो है, तभी तो कह रहे हैं हम मान लड़की के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन लड़की ने गलती से क्या दी कि मेरे बाप पिताजी ने दिए, बापू ने दिए, जिसने भी दिए, तो भाई ठीक है आज का तू रख ले, और खबरदार जो इसमें हमारा कोई काम हो गया हमने हाथ में लगा दिया, हमारा उसकी नहीं भाई, मतलब इंसल्ट करके और फिर उसे इस्तेमाल करना, दो रोटी कम खाने खाएंगे जिससे भाई, हमारा वही हिसाब किताब, अपने से ना होता कि कोई ताना मार दे। मेरे दोस्त की शादी हुई और उसने क्या कहते हैं मतलब उसके ससुराल वालों ने ना उसको फ़ोन किया, कहते हैं बताओ जी कौन सी बाइक दें, तो मेरा मैं वहीं बैठा था, कह रहा यार बाइक के लिए बोल रहे हैं, मैं कहा चाहिए तुझे, कहता यार अभी 6 महीने पहले तो नई बाइक खरीदी है, एक और ले क्या करेंगे, फिर उसने मना किया कि यार नहीं चाहिए, और अजी आप तो मना कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, लड़की वाले ने टॉर्चर किया उसको। फिर मैंने कहा एक काम कर तू चुप रहे, तू बोलेगा ये खाना खाली टटर करेंगे, क्यों इतना वो कर रहा, चुप बैठ रहा। और उसके घर में ये वॉशिंग मशीन फ्रिज बनी क्या क्या भर दिया, और उसने क्या किया 3-4 दिन के बाद में ओएलएक्स पे डाल दिया सब कुछ, तुम्हारी तो ये लो लिस्ट बना करके सब ओएलएक्स पे पेल दिया, कह रहा मेरे से कह रहा मैं डाल दिया, मैंने क्या हो गया, कह रहा ओएलएक्स पे डाल दिया, जो हो गया डब्बा पैक था, कह रहा जो रेट था उसे थोड़े से कम पे बिक दिया, चाहिए ही नहीं था, कह रहा घर में घर को ताजमहल थोड़ी है कि इतना सारा भर लूँगा भाई, जरूरत का आप सामान रखेगा। फिर क्या था मेरी वाइफ फिर लड़ी कि क्यों बेच दिया, मेरे पापा ने दिया था, बोले तो अपने पापा घर में रख ले थे ले जा करके, यहाँ जगह नहीं है इतनी, यहाँ ऑलरेडी सब सामान है तो दे क्यों रहे हैं भे? क्यों दे रहे हैं, इन खामे का जबरदस्ती है। वो उनको समाज में डर था कि अरे हम दिखाएंगे नहीं क्या कि हमने अपनी लड़की की शादी पर कितना खर्चा किया है, और देगा कुछ नहीं, वॉशिंग मशीन देगा बंगार वाली जिसमें इधर सूखेगा इधर धुलेगा इधर सूखेगा, और फिर सुखाने जाओ कपड़ों पर, उसके घर में ऑटोमेटिक डाल दो और भूल जाओ कपड़े सूख के बाहर निकलेंगे, तो फायदा क्या है उसका, ये हिसाब किताब चलता है यहाँ पर। चलो खैर आगे लिखो, क्या लिखा है अभी हमने, नेक्स्ट लाइन लिखो, इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली were held in July 1946 and its first meeting was convened in December 1946. In December 1946. Next point. On partition, the Constituent Assembly was also divided into two parts called as the Constituent Assembly of India and the Constituent Assembly of Pakistan. Next line. The Constituent Assembly of India. The Constituent Assembly of India that drafted the Indian Constitution. Had 299 members.
नेक्स्ट लाइन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इसके बाद नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बाद लिखो, हेडिंग डालो, फैक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। मैं लिखो, द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टू द मेकिंग ऑफ हैं द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर। नंबर वन पॉइंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नंबर सेकंड पॉइंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। नंबर थर्ड, बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। नंबर फोर, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। चलो आज ये दो टॉपिक के आपके नोट्स तैयार हो गए, ठीक है। इसके बाद जो अगले नोट्स तैयार करेंगे वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के ऊपर, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं, जो आज चीज़ें समझाई गई थी उसको भी लेकर रिलेट करेंगे उसमें, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट? प्रॉपर नोट्स लिख लिए तरीके से, ठीक है। संध्या डॉट आराम से।